वेलकम बैक टू माय चैनल यार। लास्ट डे इन यूएसए, लास्ट डे क्या, बस अभी जा रहे हैं हम ऑफिस में। लो एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा पूछा गया कि आपने यूएस का वीजा कैसे अप्लाई किया, कहां से किया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में नंबर पिन कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने भी यूएसए का वीजा अप्लाई करवाना है या किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, कनाडा वगैरह का, तो आप लोग उनके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आप लोगों का वीजा बहुत ही कम प्राइजेस में लगा के देंगे। खैर, जाने से पहले मैंने सोचा कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लिया जाए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो सेम दुबई जैसा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रोड की स्पीड लिमिट थोड़ी सी कम थी, इसलिए थोड़ा सा जो है ना मुझे वेट लग रहा था। स्पीड में चलाने की आदत है हमें। ड्राइव करते करते हम लोग पहुंच गए लॉन्ग आइलैंड में। लॉन्ग आइलैंड में घर बहुत खूबसूरत थे, एक रेजिडेंशियल एरिया था जहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट गए थे, देसी रेस्टोरेंट, वहाँ से देसी हम लोगों ने खाना, अच्छा यार खाना वगैरह खा लिया। एम्बियन वाइब्स वगैरह तो बहुत अच्छी थी यहाँ की, ठीक है, लेकिन खाने की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा था, ये नहीं कि बैड था, लेकिन अगर मैं 10 में से रेट करूँ तो मैं उसको ऑलमोस्ट 5 करूँगा, और सर्विस जो है उसको 3 के करीब रेट करूँगा। खाना खा के हम लोग सीधा निकले एयरपोर्ट के लिए, और थैंक यू सो मच अंकल का, अंकल ने मुझे एयरपोर्ट पे भी ड्रॉप किया और अंकल ने मुझे यूएस बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये दुबई आएंगे तो हम इनको दुबई इंजॉय करवाएंगे। और एयरपोर्ट चेक इन किया, चेक इन करके हम लोगों ने अपने फ्लाइट में बोर्ड किया, और वर्जिन अटलांटिक की एयरलाइन थी। इस एयरलाइन की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो इंस्ट्रक्शन है सेफ्टी की, वो कार्टून इन्होंने चलाए हमें LCD पर, जिससे छोटे और बड़े दोनों इंटरेस्ट लेके देखते हैं क्या क्या सेफ्टी के वो इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। खैर, यहाँ से ये फ्लाइट थी सीधे अपनी UK तक की, और UK से आगे थी एमिरेट्स की। तो चलते हैं ज़रा UK के, इंजॉय करते हैं भाई। ये इस प्लेन के अंदर ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बिल्कुल नीचे को टिल्ट हो जाती है, और हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं लेकिन एक घंटा लेट किया है। देखते हैं टाइम पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। इनमें खाने के दो ऑप्शन थे, वेज और नॉन वेज। भाई मैंने तो वेज लिया क्योंकि हलाल नहीं होता नॉन वेज यहाँ पे। खैर यार, रास्ते में क्या ही प्यारा व्यू था, ऐसे तो इस तरह बादलों की तरह रूम पड़ा हो, लिटरली मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया इस फ्लाइट को। और UK लैंड होने से पहले पूरा UK का व्यू आया, वो भी मोमेंट बहुत मज़े के थे, क्योंकि एक तो ऊपर से UK देख रहे थे और इस टाइम मेरे पास टाइम कम था, मैं एयरपोर्ट एग्जिट नहीं हो सकता था, मुझे आगे दुबई पहुँचना था, तो इसलिए ऊपर से मैंने सारा एंजॉय कर लिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडिंग इन UK, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हमारी एमिरेट्स की फ्लाइट थी, तब तक एयरपोर्ट एंजॉय करो। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे जो ना आती एसेसरीज की शॉप और सारी शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा स्पॉट देखते हैं, यहाँ पे चार्जिंग साथ में हो। एयरपोर्ट पे मैंने 15-20 मिनट का पावर नैप लिया, उसके बाद भाई भूख लग रही थी, हलाल फूड मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ से कोक और एक चिप्स का पैकेट उठाया, कार्ड पेमेंट की, सेल्फ चेकआउट किया। मतलब इन कंट्रीज में बहुत मज़े की चीज़ होती है कि मतलब कोई खड़ा नहीं होता बंदा पैसे लेने के लिए, वहाँ से कार्ड पेमेंट करो और निकल जाओ। तो खैर उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, फ़्लाइट में बैठे काफ़ी इंजॉय किया, और फ़्लाइट में मुझे एक बच्चा मिला जो बिल्कुल मेरे नेफ्यू के जैसा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने ये आपस में मिल रहे हैं। खैर वहाँ से सीधा पहुँचे दुबई, और दुबई में मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे, तो चलते हैं भाई, मज़ा आएगा आगे यार। बाकी जो भी है दुबई आकर जो अपन को इज्जत फील होती है ना, बगैर लाइनों के सीधा घूमे, रेजिडेंस वीजा उनके लिए अलग काउंटर बने हुए हैं, जाकर सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करो, फेस स्कैन होता है और एंट्री मिल जाती है, 2 मिनट नहीं लगे। ये सीन बड़े मज़े का यार, बाकी बहुत ही मज़े का एयरपोर्ट है, तो चेक करो यार, कमाल है कमाल है। बस हम अपने बैग का वेट करेंगे, जैसे बैग आएगा बल्कि मैं उसको कॉल कर देता हूँ ज़ाहिर को कि आ जाए। ऑलराइट, तो बैग भी रिसीव हो गया, ऐसे हुआ है फ़ौरन, लेकिन एक सीन अगर यहाँ से देखो डैमेज करके मिला, ये ट्रेवल्स में ये बहुत कुछ होता है, बैग नया लो उसके बाद ख़राब करके, इसलिए बैग जो है ना जो पुराना चुराना उठा कर ले जाओ, क्योंकि होना तो ख़राब ही है। तो अभी जाहिर कर तो मैंने कॉल कर दिया, वो भी पहुँचने वाला है। अच्छा मज़े की चीज़ पता क्या है, दिस इज़ दुबई ब्रो, ठीक है, ये बैग है ना, ये मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ छोड़े और मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, जा रहा हूँ वॉशरूम, वो देखो उधर वॉशरूम है, यहाँ बैग पड़े रहेंगे, वापस होंगे यहीं होंगे, मजाल है किसी ने हाथ भी लगाया है इनको। दूसरे एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होती जाती है, अपना सामान ना छोड़ो, सामान ना छोड़ो, ये ना करो ना करो, दिस इज़ दुबई ब्रो, दिस इज़ द लेवल ऑफ दुबई, सिक्योरिटी जो है ना अभी दुबई में वो एंड लेवल है, वो वहाँ पे छोड़ दिया अपना सामान। सबसे पहले चीज़ आपको जो आके यहाँ पे मिलेगी वो कि मुस्लिम शावर, ये देख के दिल आपका खुश हो जाएगा, मुस्लिम शावर है यहाँ पे कसम से, वरना टिश्यू पेपर से तो काम ख़राब हुआ पड़ा है। अच्छा मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया हूँ, और मेरा सामान वो देखो वहीं का वहीं पड़ा हुआ, वैसे तो मतलब ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज हैं एक मिनट में गायब हो जाता कुछ भी, लेकिन यहाँ पे इतना है कि यार छोड़ के जहाँ मर्जी चल जाओ, एयरपोर्ट देखिए यहाँ पे छोड़ के जहाँ मर्जी चल जाओ। ये नीचे सारी टैक्सीज की लाइनअप है, और लोग अराइवल से बाहर जाते हैं, मैं डिपार्चर से जा रहा हूँ। यो ब्रो, नवी गड्डी ब्रम ब्रम, नवी गड्डी ब्रम ब्रम, ठीक सुना, ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी ब्रो,
कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करके आवांगे। आई एम फ्रॉम यूके, मैं फ्रॉम यूएसए में, एंड यू, दैट वाज ग्रेट मैन, मजा आया। मैं कहता खड़पैंच ना के नहीं, ना के नहीं आया उस दिन, बाल दो दिन हो गए ट्रैवल ले चंद। इस बार मेरी बोतल किसकी है? देखो भी दुबई हुकूमत का बंदा हमें लेने आया, दिखाई गवर्नमेंट ऑफ दुबई, देखा सही गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है ये आराम ना, ये तो बोतला चौधरी, बोतला ने चौधरी आराम ना मिलली तो नहीं ले आया होना, नहीं जा फिर नहीं उनसे जा हुन तेरे लिए, नहीं तू नहीं नहीं तो शुरू की थी ना, हुन बस ठीक है तेरी वाली होने नु, इट्स गुड टू बी बैक ब्रो, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ बॉयज, कब से वेट कर रहे हैं, मैंने इनको तारीफें कर करके कोक वनीला की इनको पागल किया हुआ है। ले ओए कोक के कैन तो ठंडे हैं भाई, हां ठंडे है, एसी से बह रहे हैं, देख वो ऑलरेडी चिल है ब्रो, कोका कोला वनीला ब्रो, गाइस माइनस में ऊपर अभी यार आते यहां से क्लब सैंडविच वगैरह लगवाया, यहां पे डे एंड नाइट है, यहां से क्लब सैंडविच खाऊंगा तो फिर घर जाऊंगा। ऑलराइट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यहां पे कोका कोला वनीला खुल चुकी है, और ये थे मेरे दोस्तों के ऑनेस्ट रिएक्शन कोका कोला वनीला फ्लेवर पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोमेंट ऑफ ट्रूथ यार, छोरी बहुत मजा आया, हां जी चोरी वाकई आजा मजेदार, यकीन कर उस दिन वाला मिल्क शेक याद आ गया, ऑनेस्टली व्यू है, ऑनेस्टली व्यू आजा यार, ये कोका कोला वनीला है, ये इसका भी रिव्यू लेते हैं यार, मतलब मैं जब से मौसम को जानता हूं ना तब से सुना है कि वेनिला वेनिला कोका कोला वेनिला आई ट्राई कर आई, या तो ओके है या बिल्कुल नॉट ओके, इसको पीना फौरन नहीं मुंह में रखना थोड़ी देर, रखो मुंह के अंदर थोड़ा, ये एक्सप्लोर होता है ऐसे करके ना, कमाल है यार, सा लेवल है भाई, ये देखो थैंक यू फॉर द सेकंड वन, सबके सामने बता दिया हमने, सबका एक एक है क्या होगा यार, ये वैस को चेक करवाया, वैस ने भी कहा कमाल है, कैसी है, मजा आया, ये कि मैंने अपनी गाड़ी में रख दी, मैंने दोस्तों को दूंगा, वो गर्मी की वजह से जो ना एक कैन फट गया, ये बाकी ऐसे ऊपर को हो गया, यहाँ से नहीं मिलती बाकी, ये अभी हसनैन के लिए है, इसको चल के देते हैं हसनैन को, हाँ ये स्पेशल, ये मलेशिया में मैंने सबसे पहले ट्राई की थी, तब से मुझे पसंद है कोक वनीला, तब से मैं इसके पीछे जरा क्रेजी क्रेजी सा था। हसनैन भाई ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं स्पेशल अमेरिका से, मैंने कहा आपको चेक करवाया जाए, मैं आपके लिए दो लेके आया था, कि आपके लिए, भाभी के लिए, लेकिन हुआ ये कि मैंने रख दी गाड़ी में बोतलें कि मैं दे दूंगा दोस्तों को, वो गर्मी की वजह से कुछ फट गई, कुछ क्या फटी नहीं, ये सही है, ये बच गई, बच गई, ये देखो अवैस को भी मैंने ये दी, इसने पी है, बड़ी मजे की थी, और अरसलान को भी दिया, उसको भी बड़ा मजा, जिस जिसने ट्राई किया उसने एंड कर दिया, मेरा दिल कर रहा था वैसे ये खोप लो, इसने ना तुझे कॉल कर दी, यूएस से देखो लेके आया, सात समुद्र भी नहीं, 11 समुद्र पता नहीं कितने समुद्र पार करके, तमन्ना करता था जब ये मौसम इसका जिक्र करता था, तारीफ करता था ना कि यार वनीला फ्लेवर वो ही होगा, और जितना क्रेजी था इसके बारे में, अच्छा इसको चिल करके पी, फिर मुझे बताई लाजमी, ठीक हो गया, यूएस से वापस आने के बाद प्लान किया कि यार कुछ पार्टी वार्टी करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा था, मैंने सोचा यार दुबई में भी थोड़ा चिल आउट करें, तो खैर हम लोगों ने याच बुक करवाई है, मेरे साथ है जायर और अवैस, और बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मरीना के अंदर फिलहाल घूम रहे हैं हम लोग, और अच्छा इस याच में जो है ये बेडरूम भी है, आप लोग यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो, किसी ने सोना है, नींद वींद आ रही है भाई सोलो, और मतलब सीन ओके की रिपोर्ट है, ल्यू विटॉन की इसके ऊपर जो है ना बेड शीट है, और बाहर से कुछ व्यू यहाँ से ऐसे आ रहा है, खैर ये डे टाइम में डिफरेंट होता है, इस टाइम पे डिफरेंट होता है, आप लोग यहाँ पे लेट के ये टीवी वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है एयर उसके एयरप्लेन के जैसा, यार यहाँ से फ्रंट पे जाने के लिए ना छोटी सी एक गली सी बनी हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा डेंजरस खेल के जाना पड़ता है आगे भाई, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे, बाकी यार सुकून व्यू बहुत मजे का, यार थोड़ी थोड़ी ठंड होती है ना, यानी कि हवा अभी अच्छी है, यानी कि हवा अच्छी नहीं है, तो
यहाँ पे आप लोग बैठ के चिल आउट कर सकते हैं। रात के टाइम है तो इसलिए इतनी ज़्यादा फोटोज़ वगैरह सही से नहीं आ रही हैं, लेकिन बंदा ज़िंदगी का मज़ा यहाँ, ये लो जी ये चेक करो, ज़िंदगी का मज़ा लो भाई। भाई खाने में हमारे पास मटन कबाब हो गए, चिकन कबाब हो गए, टिक्का बोटी हो गई और चारकुल, बहुत कुछ है, ये सब फूड ही है, फूड भरा हुआ है सारा। और हाँ